आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स जो है सरफेस पर कितना वर्क करता है वो बता देना है। फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर फोर्स। तो देखिए ये कोई चार्ज कंडक्टर नहीं है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स जो लगेगा एफ बराबर सिग्मा इंटू डेल्टा डी, सिग्मा इंटू डेल्टा डी अपॉन टू एप्सिलॉन। ये फोर्स सिग्मा स्क्वायर डेल्टा, सिग्मा स्क्वायर डेल्टा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया एफ अपॉन एरिया सिग्मा स्क्वायर अपॉन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन। ये आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तीसरा पॉइंट देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर। अब देखिए चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया एफ अपॉन डेल्टा बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन। तो एफ अपॉन डेल्टा ई बराबर वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो याद कर लीजिए फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू वन बाई टू
epsilon naught फोर्स पर लोड जरा बच्चों देखिए फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर ये चार्ज कंडक्टर है इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है इस कंडक्टर का चार्ज अपॉन एरिया ये है सिग्मा सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा तो इसमें फोर्स कितना लगता है ये प्रूव है जो हमने डायरेक्ट इस पर एलिमेंट डेल्टा ए लिया चार्ज कंडक्टर पर तो यहाँ पर एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर डेल्टा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर डेल्टा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर डेल्टा ए अपॉन टू एप्सिलॉन अब फोर्स पर यूनिट एरिया एफ अपॉन डेल्टा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट एफ अपॉन डेल्टा सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ये कट गया तो ये हो गया वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फोर्स पर यूनिट एरिया वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फोर्स पर यूनिट एरिया वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ये हुआ जाके एक बार देख लीजिए फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा वन साइड नॉट अब डेल्टा ए घर ले लिया एफ अपॉन डेल्टा ए फोर्स पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन तो सिग्मा की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ई फोर्स पर यूनिट एरिया एफ अपॉन डेल्टा ए सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन ये आपका कट गया तो एफ अपॉन डेल्टा ए बराबर वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फोर्स पर यूनिट एरिया वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये आपका फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया अब देखिए एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एसोसिएटेड एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक यू बराबर वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट यू बराबर वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई यह है एनर्जी यू बराबर वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक
k epsilon naught e square, ये u की वैल्यू होगी 1 by 2 epsilon e square, 1 by 2 epsilon e square. अब मैकेनिकल फोर्स ऑल्सो पर, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू बराबर 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यू बराबर 1 बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब एनर्जी मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स ऑन सोप, साबुन के बुलबुले पर मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स ऑन सोप। बच्चों ट्यूसडे से लगातार बुखार आ रहा है, वायरल फीवर है, जिससे कमजोरी बहुत आ गई और आपकी क्लास सोचते रहे कि आज रिकॉर्ड करेंगे, पर एनर्जी ना होने के कारण इतनी कि हम आपकी क्लास रिकॉर्ड कर पाए। फिर भी आज कोशिश करी है पार्ट टू की क्लास रिकॉर्ड करें, छोटी छोटी है, आप ये करिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं, उनको आप लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए तो फिर एनर्जी आ जाए, फिर आपकी क्लास बस सोम मंगल तक सही है। रेडियस आर है, यहाँ पर सरफेस टेंशन टी है, सरफेस टेंशन टी है, तो जो प्रेशर लगता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर 4T अपॉन 4T अपॉन। अब इस सोप बबल पर चार्ज डेंसिटी आ जाए, अगर साबुन के बुलबुले पर चार्ज डेंसिटी आ जाए, सोप बबल हैविंग द चार्ज डेंसिटी से बबल पर चार्ज डेंसिटी आर रेडियस से चार्ज डेंसिटी सिग्मा आ जाए, सिग्मा आ गया तो क्यू अपॉन 4 पाई ये आ गया। इस स्थिति में एडिशनल पुल पर यूनिट एरिया, एडिशनल पुल पर यूनिट एरिया, एडिशनल पुल पर यूनिट एरिया क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन। अब इस स्थिति में प्रेशर पी डैश की वैल्यू पी डैश प्लस प्लस रेडियस ऑफ कैपिटल आर, पी डैश प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4T अपॉन पी डैश की वैल्यू आ गई 4T अपॉन सिग्मा स्क्वायर पी डैश की वैल्यू 1 upon 2 epsilon
सिग्मा स्क्वायर का मान हो गया क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। ये इतना आप लोग कर लिया आज, ठीक है। ये क्लास भी आपकी डाउनलोड कर रहे हैं।